हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग स्ट्रीम सिलेक्शन पे वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो नीचे जरूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन पे कई सारे राज्यों की तरफ से आपके क्रिटेरिया निकल के सामने आ रही है आपके साइंस कॉमर्स और आर्ट्स लेने को लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आपके कंपार्टमेंट को लेकर पूरे कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ गई है। 10 और 12 के बच्चे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट पे आपके जितने भी सवाल हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होंगे, कंपार्टमेंट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हमें कौन सा पढ़ के जाना है, कहाँ से पढ़ के जाना है, ये सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, साथ ही साथ बात करें तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो आता है वो इजी आता है या हार्ड आता है, तो सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये डिटेल वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करें तो कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट को लेकर बात करें, तो कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर जो डेट बताई गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, पूरे देश भर में दोस्तों सीबीएसई बोर्ड आपका 23 अगस्त से आपके कंपार्टमेंट एग्जाम को स्टार्ट कर देगा। सीबीएसई बोर्ड ने आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट बता दिया है, 23 तारीख से आपके यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। डेटशीट को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्दी जो है पूरा डिटेल में आपको डेटशीट दे दिया जाएगा कि कौन सा पेपर आपका कब से है, यानी 23 को कौन सा है, 24 को कौन सा है, लेकिन आपके एग्जाम को लेकर यहां पे एक डेट बता दी गई है। तो डेट आप लोग यहां पे देख सकते हैं, 23 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में दोस्तों छात्रों के साथ इनजस्टिस हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ आप लोग यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों इस बार जो है कंपार्टमेंट आए हुए छात्रों का जो है संख्या बहुत ही ज्यादा आई है। दोस्तों यहां पे आप लोग देखिएगा, 12 में जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी की हुई डेटा के अनुसार 67,743 छात्रों को जो है क्लास 12 में इस बार कंपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो क्लास 10 में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा है दोस्तों। तो यहां पे देखिएगा क्लास 10 में जो इस बार जो आंकड़े आए हैं क्लास 10 के कंपार्टमेंट के छात्रों के आंकड़े जो आए हैं, 107,679 जो आपके छात्र हैं जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें दे दिया है, यानी उनके किसी न किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दिया है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के साथ उनके रिजल्ट में कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ है, ये चीजें यहां पर देखने को साफ साफ दिखता है। और इसी को लेकर दोस्तों हिमांशु बोरा सर ने भी ये सवाल उठाया है सीबीएसई बोर्ड पे कि सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया है इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि इसका सबसे बड़ा रीजन बच्चों द्वारा जो किया हुआ कमेंट से भी आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग के ही कमेंट से दोस्तों काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे टर्म 1 में अच्छे नंबर थे और मैंने टर्म 2 में भी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मेरे नंबर कम आ गए हैं, यानी कि जो मेरे टर्म 1 में नंबर थे और टर्म 2 का एग्जाम मेरा जैसा गया था उस अकॉर्डिंग मेरे बहुत ही अच्छे आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए हैं। यहां तक की बात करें तो कई सारे बच्चों ने तो यह भी कहा दोस्तों कि मेरे टर्म 1 में जो है 22 नंबर थे और हमारे टीचर्स ने जो है मुझे 18 नंबर दिए हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो है 33 नंबर तो मेरे यहीं से बन गए लेकिन फिर भी मुझे उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है क्वेश्चन उठ रहा है आपके रिजल्ट, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। वो लेकर किस तरीके से बनाया गया है, तो इसपे जो है बच्चे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे टर्म 1 के नंबर बताए गए थे उसी तरीके से हमारे टर्म 2 के भी नंबर बता दिया जाए, तो हमें ये चीजें पता चल पाएगा कि हमारे एक्चुअली में टर्म 2 में कितने नंबर थे और सीबीएसई बोर्ड ने किस तरीके से 30-70 जोड़कर मेरे इतने नंबर दिए हैं। अब इसको लेकर दोस्तों आप लोग एग्री हैं तो नीचे जरूर से कमेंट करिएगा, ये बड़ा सवाल है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है जो आपके यहां पर उठाया जा रहा है। अब दोस्तों आप लोग का जो सवाल है, यानी कि आप लोग के जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, जिनके रिजल्ट में COMP लिखा हुआ है या जिनके किसी भी सब्जेक्ट में ई ग्रेड मिल गया है, तो उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। तो कंपार्टमेंट को लेकर यहां पर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है, एग्जाम डेट के अलावा इस बार जो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम होगा दोस्तों उसमें आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है आपके मन में भी सवाल होगा। तो यहां पर सिलेबस को लेकर जो जानकारी दी गई है दोस्तों, इस बार सीबीएसई बोर्ड जो है आपको एक सर्कुलर जारी करेगी कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, लेकिन फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें निकल के सामने आ रही है, सीबीएसई बोर्ड के उन सभी बच्चों के जिनका कंपार्टमेंट आ गया है उन्हें टर्म 2 की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों आपने जो टर्म 2 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो चीजें पढ़ा था, जो जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे और जो जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे, जितने चैप्टर्स पढ़े थे, जो रिड्यूस वाला चैप्टर पढ़ा था, वही सेम चीजें जो है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी होगी, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर दोस्तों एक डिटेल जो है सीबीएसई बोर्ड सर्कुलर जारी करेगी, ये भी कहा जा रहा है, तो उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग वो सारे सब्जेक्ट और वो सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं जो आप टर्म 2 के एग्जाम्स जो देकर आप शामिल हुए थे। तो ये जो दोस्तों आपकी बात रही सिलेबस को लेकर। अब साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के काफी सारे सवाल आते रहते हैं कि सर कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है हमारा कैसा होगा, यानी कैसा आएगा पेपर, इजी आएगा, हार्ड आएगा या एवरेज आएगा। तो दोस्तों इसको लेकर मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट का पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाया जाता है, सीबीएसई बोर्ड उसी लेवल में आपका पेपर बनाती है दोस्तों जिस लेवल में आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाया जाता है, यानी कि एवरेज हम बोल सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, पेपर आपका इजी ही आएगा, एवरेज ही आएगा।
तो आपका पेपर का जो है लेवल कुछ इस तरीके से होता है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो पासिंग क्रिटेरिया क्या इसका अलग होता है, तो दोस्तों इसका पासिंग क्रिटेरिया बिल्कुल अलग नहीं होता, बोर्ड की तरह सिमिलर जो है ये भी चीजें हैं, यानी इसमें भी आपको पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना होगा, यानी कि पासिंग क्रिटेरिया इसका भी जो है सिमिलर आपका बोर्ड एग्जाम की तरह है, तो इसमें आपका कोई अलग या जो है आपका हार्ड नहीं है, सिमिलर आपको इसमें भी 33% लाना है, तो बस आपको अपनी तैयारियों पर फोकस करना होगा। क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तो क्वेश्चंस दोस्तों कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया जो चीज आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे वही सेम चीजें आपको यहां पर भी पढ़नी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आपके कंपार्टमेंट को लेकर अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड एक सर्कुलर भी जारी करेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो कंपार्टमेंट को लेकर सारी अपडेट दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, जिन्हें करके आप कंपार्टमेंट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे, तो ये सारी चीज आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, जय हिंद।